अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। आज मैं आपको शिवम अरोड़ा से मिलवाने वाला हूँ, जो कि मुरादाबाद यूपी से हैं, और जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनके साथ क्या क्या दिल और दिमाग ने किस तरह से लड़ाई की। शिवम के साथ कंडीशंस बहुत टफ थी, फैमिली सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब लगा आईटी कंपनी में तो ऐसा लगा इसको कि जॉब करना है, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी कि जॉब करना जरूरी था। पर ये लगा कि अगर आज इस जॉब को ले लिया तो पता नहीं कितने आगे जाने जा पाऊंगा मैं, या इससे बहुत आगे जाने में कितना टाइम लगेगा। देन निमसेट के लिए एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम में जो एनआईटी अलॉट हुआ मनपसंद एनआईटी नहीं था। देन अगेन फिर दिमाग की फाइट हुई कि क्या किया जाए, क्योंकि दिमाग में था कि मुझे एनआईटी त्रिची, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद जैसे जगह जाना है। देन फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, एंड एनआईटी सूरतकल में नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ 102 रैंक के साथ। फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप में कंपनी में 2 महीने इंटर्नशिप की, अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी ने जॉब का ऑफर दिया। फिर लगा कि जॉब करना चाहिए, ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। फिर दिल और दिमाग की एक लड़ाई हुई और लगा कि नहीं, अगर आज ये जॉब ले लिया तो हो सकता है मैं जिसके लिए बना वो ना मिल पाए। और कहते भी हैं कि समझौता कर अगर आप जीवन में कर लेते हैं तो कई बार जो हमें गॉड ने दिया होता है हम उससे दूर हो जाते हैं। देन अगेन सोचा कि अब फाइनल ईयर के साथ जब प्लेसमेंट होगा जब ही देखा जाएगा, और आज फाइनल ईयर के साथ शिवम का फाइनली प्लेसमेंट हुआ। एक टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, टॉप प्लेसमेंट हुआ सेब लैब इंडिया में। और जब आप शिवम की स्टोरी सुनेंगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे कि ये सब कंप्रोमाइज शिवम ने उस कंडीशन में किया जो कि कंप्रोमाइज करने की कंडीशन में नहीं था। घर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, पर जीवन में बोलते हैं कि अगर जिसने समझौता कर लिया वो नहीं पा पाता जिसके लिए बना है। तो सुनिए आप शिवम से शिवम की स्टोरी, और आप समझ पाएंगे अगर आपको जीवन में कभी कुछ डिसीजन लेना है तो ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, 2019 बैच के शिवम अरोड़ा से, जिन्होंने एनआईटी सूरतकल से अभी एमसीए कर रहे हैं और अभी इनका प्लेसमेंट हुआ है सेप लैब्स में, सेप लैब्स इंडिया में, जो कि एक टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, आईटी कंपनी है, और टॉप प्लेसमेंट भी हुआ। तो शिवम सबसे पहले इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। तो शिवम, ये जो मैंने नए सेशन से स्टार्ट किए हैं, क्या होता है कि बच्चे जब एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि एमसीए करना है, पर ड्यूरिंग एमसीए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, अच्छे कॉलेजेस से प्लेसमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कंपनी क्या क्या ऑब्जर्व करती है, ये कई बच्चों के पिछले समय से मेरे पास मैसेज आते थे कि सर हम लोग एमसीए जब करने जाते हैं, जब भी, और जब एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अगर हमें ये पता हो कि अच्छे कॉलेजेस के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए और क्यों अच्छे कॉलेज जाना चाहिए, तो मैंने ये सेशन स्टार्ट किए। और शिवम, आप अपने बारे में अपनी सक्सेस जर्नी बताएं। इसके पहले जो मुझे पता है मैं बताता हूँ कि शिवम जो है इसने बहुत ही ऑड कंडीशन में पढ़ाई की है, परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी घर की, और इनफैक्ट बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई जिसको इसने फेस भी किया, पर इतना अच्छा प्लेसमेंट लिया। तो शिवम, आप अपनी सक्सेस जर्नी मैं कहूंगा स्टार्टिंग से ही बताएं। पहले तो 12th के बाद जब आपने ग्रेजुएशन किया तो आपने एमसीए के लिए कब सोचा, फिर एमसीए में आपने जो अच्छा एनआईटी कॉलेज चूज किया उसके पीछे क्या रीजन था, आज इतना अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, और क्या क्या क्वालिटी हैं जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग एमसीए भी और एंट्रेंस के समय, क्यों अच्छा कॉलेज या अच्छे कॉलेज की क्या वैल्यू होती है, सब बताएं आप। जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे एमपीटस गुरुकुल को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज यहाँ जो हम बैठे हैं ये सिर्फ आपकी वजह से और पूरे एमपीटस गुरुकुल फैमिली की वजह से हैं। एंड सर, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा अपनी जर्नी स्टार्टिंग से। लाइक आफ्टर 12th मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स का देखा देखी मैं थोड़ा देखा कि ठीक है बीसीए कर लिया जाए, अच्छा कोर्स है, और थोड़ा इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर साइंस में उस समय, क्योंकि मेरे को 11th 12th में कंप्यूटर साइंस थी। देन बीसीए में एनरोल कराया एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि मेरे लोकल मुरादाबाद में ही है। वहां पे बीसीए किया मैंने 3 साल। अब उस दौरान स्टार्टिंग में काफी चीजें अच्छी भी लगी, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट भी थोड़ा बनने लगा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के हमारे फील्ड में, उसमें इंटरेस्ट आने लगा। देन मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली एक दिन मैंने देखा एक मेरा फ्रेंड निमसेट की एक बुक आती है निमसेट प्रिपरेशन की, अरिहंत, वो सॉल्व कर रहा था। देन मैंने उससे पूछा ये क्यों तू सॉल्व कर रहा है, तेरे को क्या एग्जाम देना है,
तो उसने मुझे एमसीए एंट्रेंस के बारे में बताया कि एक एग्जाम होता है और काफी सारे एग्जाम होते हैं, खाली निमसेट ही नहीं, उसने मेरे को जेएनयू का बताया, जामिया का बताया, बीएचयू का बताया, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं एमसीए एंट्रेंस के। सो आफ्टर बीसीए हम ये ऑप्ट कर सकते हैं कि हम एमसीए कर पाए। सो देन मेरे को भी लगा कि हाँ ये थोड़ा अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है करियर के लिए, क्योंकि आफ्टर बीसीए आफ्टर ग्रेजुएशन वो भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैं नहीं समझता कि वहां से आप एक डिसेंट पैकेज ग्रैब कर सकते हो। लाइक मेरा भी उस समय ग्रेजुएशन के टाइम पे विप्रो में प्लेसमेंट हुआ था, हालांकि मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा मन इधर ही था नेमसेट प्रिपरेशन में कि मेरे को इधर ही फोकस करना, लेकिन एक बार सर हमारे फाइनल ईयर में एक टीचर थे, उन्होंने कहा नहीं तुम दो जाके दो, उन्हें पता था कि मेरी कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर वगैरह अच्छी है, उन्होंने कहा फोर्स करा कि नहीं तुम जाओ एक बार दो। मैं गया बेमन से, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया और उसमें हो भी गया था विप्रो में, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं गया वहां पर, कंपनी ज्वाइन नहीं करी मैंने। देन मैंने फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएशन के बीसीए के निमसेट का एग्जाम दिया था 2018, वो सर शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, तब मेरी रैंक 693 आई थी, और मेरे को आज भी याद है जब उस समय रैंक अच्छी नहीं आई थी, रायपुर मिला था मेरे को एनआईटी रायपुर, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एनआईटी रायपुर लेकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं, या फिर एक साल और देके मेहनत करके पूरी किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन ले लूं। अब इसी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कितना टाइम लगेगा, क्या मैं पूरी एक तरीके से पूरी रेस है इसमें मैं सही से दौड़ पाऊंगा कि नहीं, उसके लिए काफी डाउट्स आते थे। तो शायद सर आपको याद होगा मैं आपके पास भी आया था, आई थिंक जून में आया था मैं, जून बिल्कुल मुझे एक एक चीज याद है, आप पहले बोलो फिर मैं बताऊंगा क्योंकि मैं हर बच्चे की चीजें याद रखता हूँ। हाँ जी, मैं अपने फादर के साथ आया था क्योंकि सर की वीडियोज मैंने बहुत देखी थी पहले यूट्यूब पे, बहुत सर के वीडियो से हेल्प रही थी उस समय मेरे को फाइनल ईयर में, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हर बच्चा डरता है किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, और सर वो चुटकियों में समझा देते थे। तो मुझे था उस समय कि यार सर से एक बार मिलकर जरूर आना, चाहे मेरा सिलेक्शन कहीं पे भी हो, चाहे वो कोचिंग करके हो या बिना कोचिंग करके हो, सर से मिलकर जरूर आऊंगा क्योंकि सर की वीडियोज ने मुझे बहुत हेल्प किया था। देन अब डेस्टिनी ऐसी रही कि मैं कोचिंग का, मैंने सोचा कि कोचिंग करनी चाहिए निमसेट की, तो मैंने सबसे पहले शरद सर को कांटेक्ट करा, हालांकि मेरे यूपी में भी कभी कई सारे लोगों ने बोला कि यूपी की कोचिंग है, आप यहीं रहो अपने स्टेट में रहो यहाँ पे करो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ वहीं, क्योंकि सर आप भी शायद सभी जानते होंगे कि स्टेट चेंज करना और बाहर रहना घर से थोड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है फर्स्ट टाइम किसी के लिए भी। सही बात है। तो फिर लिया डिसीजन, फिर सर के पास कोचिंग करने पहुंचे। सर एक बात सर आपकी मेरे को अभी याद है जो मैं बताना चाहूंगा आज सबको, मैं आपके ऑफिस में बैठा था, आपने मुझसे रैंक पूछी थी मेरी कि 2018 निमसेट में क्या रैंक आई थी, मैंने कहा था सर 693, तो आपने मुझसे कहा था कि अगर इसके आगे जो 6 लिखा ये हटा दें तो ये रैंक तुम ला सकते हो नेक्स्ट ईयर, और शायद सर वही हुआ बिल्कुल नेक्स्ट ईयर मेरी, यस सर। हाँ। पहले मेरी 95 थी, देन वो रिजल्ट अपग्रेड हुआ था तो 102 हो गई थी। हाँ। तो सर मेरे ख्याल से तो सर इससे बड़ा कोई कोइंसिडेंस कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया जैसे कि सर, देन सर अब स्टार्ट होते कोचिंग के डेज, लाइक वहां पे क्या हमारा रूटीन रहता था, वहां पे हम कैसे क्लासेस लेते थे, आपका पढ़ाना कैसे रहता था। सबसे पहले सुबह 7 बजे हम कोचिंग, 7:30 हम कोचिंग पहुंच जाते थे, उसके बाद कई बार क्लासेस के टाइम भी जैसे प्रतीक सर सुबह क्लास लेते थे, तो सर की सुबह की क्लास तो सबसे बेस्ट क्लास होती थी प्रतीक सर की, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड से हम लोग जाते थे, बिल्कुल सुबह बैठना और वहां पे पढ़ना, ऐसा लगता था कि सारी चीजें जो सर ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होती जा रही है, उनके बताए हुए सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट, उनके बताए हुए ट्रिक्स लॉजिक्स, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाते हैं और आज भी हमें याद है, अगर बुक खोल के आज भी मैं सॉल्व करूं तो शायद उनकी लॉजिक से करूंगा मैं। और उसके बाद जैसे दिन बढ़ता था हम लोग वहीं बैठ के पूरा अपनी पढ़ाई करते थे निमसेट की, सुबह 7 बजे से आ गए, उसके बाद क्लास लगी प्रतीक सर की, फिर एक क्लास आपकी होती थी आई थिंक 11 बजे से, तो आप पढ़ाते थे आई थिंक 11 बजे से, उस समय भी बड़ा अच्छा माहौल रहता था पूरे इंपीटस में हमारे, जहां जहां हम क्लास में बैठते थे, तो उस समय क्लास ली, उसके बाद लंच वगैरह हो गया, लंच वगैरह होने के बाद हम आते थे, मुझे आज भी याद है हम लोग स्टार्टिंग में हमें काफी नींद टाइप की आती थी और हम कई बार हेड डाउन करके लेट भी जाते थे वहां पे, सो हेड डाउन करके थोड़ा रेस्ट कर लिया। सर ने आज तक इस बात के लिए कभी मना नहीं करा, ये सबसे बेस्ट चीज लगी। मुझे लगता है कि थोड़ी ऑकवर्ड चीज बोल रहा हूँ, वियर्ड चीज हो सकती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कहीं पे आप और सारी बहुत सारी कोचिंग है वहां पे आप जरा सा हिल नहीं सकते, इधर नहीं देख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वहां पे, वरना डायरेक्टली आपको लाफा पड़ता है। तो
जो जिस एक वर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें इंपीटर गुरुकुल में मिली, ऐसा नहीं कि वहां पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है और वहां पे बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। आप पढ़ाई के लिए अगर आप सीरियस हो तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको खूब मिलेगी, आप अपना एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर सकते हो साथ में। ऐसा नहीं कि आपको बांध दिया सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठना है, हिलना नहीं है, पानी भी यहीं पीना है, किसी से बात नहीं करनी। तो ये माहौल जो कि बहुत ही, मैं मानता हूँ, अच्छा माहौल नहीं होता कि किसी को आप बांध दो, किसी को बोल दो कि नहीं यहीं बैठना है तुम्हें, किसी से बात नहीं करनी, वो बिल्कुल आइसोलेट कर दो, वो उससे मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हो पाती है ढंग से। जो हमने इंपीटर में बिल्कुल नहीं करा, हम बिल्कुल साथ में पढ़ते थे। मेरे साथ लक्ष्य था, जैसे कि अभी इंटरव्यू आई थिंक उसका आपने देखा ही होगा सबने, अभिषेक है, लक्ष्य है, तुषार था और भी काफी लोग थे, कृष्णा था। तो हम लोग क्या करते थे ग्रुप में, कई बार कई डाउट्स आते थे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सर हमें एक एक डाउट बता दें, कि 100 200 300 अगर हमारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें 10 20 30 डाउट भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हम बार बार हर एक डाउट के लिए सर के पास पहुंच जाएंगे। तो हम आपस में भी पहले सॉल्व करते थे, हमसे नहीं होता था तो हम जाते थे प्रतीक सर के पास, शरद सर के पास, तब और अच्छा सोल्यूशन हमें मिलता था। तो ये सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे इम्पीटस गुरुकुल की। ऐसे ही हमारी जर्नी रही पूरी इम्पीटस गुरुकुल में। तो शिवम, और मैंने अभी कुछ बातें सुनी जी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, मुझे विप्रो का नहीं पता था, आपका रायपुर छोड़ के आए थे तो पता था। देखो, आपने विप्रो में प्लेसमेंट हुआ, आपने नहीं लिया, ये आपने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। सपोज आप आज वहां ले लेते, होता कुछ नहीं, आज आप जॉब भी कर रहे होते, बढ़ भी गए होते, आगे भी बढ़ गए होते। पर जो आज आपको मिला है 3 साल बाद, इस पोजीशन पे आने पे अगर आप विप्रो में होते तो मुझे लगता 20 साल लग जाते इस सर पोजीशन में। जी, टू बी आपको क्या ऑनेस्ट, लगता है? जो मेरे साथ में औरों का भी हुआ था प्लेसमेंट, उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया था विप्रो। एक्चुअली विप्रो एक 4 ईयर प्रोग्राम के लिए आ रही थी, वहां पे बॉन्ड था उनका 4 ईयर का सर्टिफिकेट, हाँ जी, कि हम एमटेक कराएंगे 4 साल का और इससे इस कॉलेज से कराएंगे, उस कॉलेज से कराएंगे। उसमें आप छोड़ नहीं सकते उस कंपनी को बीच में, ठीक है। वहां पे आपको एज ए ट्रेनी काम करना पड़ेगा, वहां पे आपकी सैलरी पैकेज भी काफी कम था एज कंपेयर टू जितना अब कंपनीज दे रही हैं नॉर्मली। तो अगर उस समय मैं ज्वाइन करता और उस समय मैं करने लगता जॉब, तो आई थिंक कि मुझे उस आज आगे लगता है कि हाँ, वो डिसीजन बहुत ठीक लिया मैंने कि तो अपने मैं आप को वही संभाला कहता वहां हूं पे। कि लाइफ के डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जी मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उस डिसीजन से आज जो आपका पैकेज है, उस पैकेज तक आने में विप्रो में आपको 20 साल आगे लगते हैं, बहुत जो कि आराम से, आपने 1 साल इन्वेस्ट किया तो ये फायदा हुआ। दूसरा, बिल्कुल एनआईटी रायपुर कोई खराब कॉलेज नहीं, वहां पर ही प्लेसमेंट होते हैं, पर वो आपकी चॉइस थी। कई जी बच्चों के जी अपने अपने होते हैं, जैसे इस बार कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने लास्ट ईयर भी एनआईटी कुरुक्षेत्र भी कई बार छोड़ देते हैं, जैसे इस बार पटना भी छोड़ा, तो वो पर्सनली चॉइस है, आपका मन वहां नहीं लगा इसलिए आप आ गए। और देखिए, दो जगहों पे आपने अपने आप को बहुत क्लियर रखा कि नहीं यार, कंप्रोमाइज ना करूं मैं, और ये जी जो कंप्रोमाइज नहीं किया। दूसरा, आपका फाइनल ईयर के साथ ही दिया था आपने, तो जी आपने 1 साल अपने आप को ड्रॉप का मौका दिया। कई लोग ड्रॉप से बचते हैं, पर आपने उस चीज के लिए मौका दिया और आज उस मौके को आपने सही कर दिया। यानी हम कोई भी लाइफ का डिसीजन लेते हैं, वो राइट या रॉन्ग हमें बनाना पड़ता है, तो आपने इन दोनों चीजों को राइट करा, बहुत मेहनत करी। आप तो जानते हो मैं हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे याद था जब आए थे और उसके बाद से मैंने देखा आराम से पढ़ते हो। और जो आपने एक बात बोली फ्लेक्सिबिलिटी की, मेरा एक मानना है कि अगर कोई आदमी बहुत, मैं मान लो स्ट्रिक हो भी जाऊं, आप बुक खोले रहोगे, आप इधर उधर भी नहीं देखोगे, पर आप पढ़ोगे कि नहीं, ये डिसीजन आप ही को लेना है। बिल्कुल ये सही मेरा कहते स्ट्रॉन्ग हैं, बिलीव है कि वही उसी कंसेप्ट पे चलता हूं कि पढ़ना नहीं पढ़ना मेरी मर्जी है, मैं भले ही बुक खोल के बैठा हूं। और अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी दूं तो हो सकता है बच्चे ज्यादा पढ़े। तो आपने उस माहौल में इम्पिटस में एक सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चे पढ़ते भी हैं, दिन भर रहते भी, एंजॉय भी करते हैं, आपस में भी बात करते हैं, और एक अच्छी, मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हर साल का मैंने बैच देखा है कि हर साल के बैच के जो बच्चे होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनी रहती है। अभी आपके बिल्कुल सारे बच्चे प्लेस हुए, अब सबके धीरे धीरे सेशन लूंगा मैं, तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप एनआईटी सूरतकल पहुंचे तो वहां की जर्नी कैसे रही और आपको वहां पर कैसा एटमोस्फियर मिला, क्या बातें थी जो ध्यान रखी, क्योंकि आपका प्लेसमेंट नंबर 1 हुआ है, टॉप प्लेसमेंट हुआ है, तो किन बातों पे आपने ध्यान दिया? घर में कुछ सिचुएशन बीच में काफी बिगड़ी कोविड के समय, आपने उनको भी कैसे टेकल किया? और मैं बताना चाहूंगा बच्चों जो सुन रहे हैं, शिवम ने घर को भी संभाला, घर की कंडीशन ऐसी थी, ट्यूशंस भी पढ़ाई छोटी छोटी, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ली, ये सब किया आपने। तो ये काफी, कई लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ये वो सब आपने फेस किया है, तो वो एक जर्नी भी आप, मैं चाहूंगा बताओ, और सूरतकल की भी जर्नी आप बताओ। जी बिल्कुल सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सूरतकल पहुंचे थे तो एक सीनियर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है,
तो हमारे उस समय सीनियर्स इतने नहीं थे जितने एमपीटेक में आज हैं। तो वहां पे हमें और जो दूसरे सीनियर्स, कुछ ऐसे सीनियर्स मिले थे जिन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट करा, बहुत हेल्प करी हमें, हमारे एडमिशन से लेके हमारे गाइडेंस तक। आज तक अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उन सीनियर सुपर सीनियर्स को कॉल करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हमें कभी डर नहीं लगता उसे, एज अ ब्रदर वो हमारी हेल्प करते हैं आज भी। तो सबसे बड़ा फैक्टर एक ये होता है कि आप अच्छी गाइडेंस लो, किसी भी कॉलेज में जाओ, वहां पर चाहे, मैं ये नहीं कह रहा वो तिरछी हो, सूरतकल हो, रायपुर हो, कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, वहां पे अपना एक पर्टिकुलर, अगर आपका सीनियर आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो एक प्रॉपरली उसकी सुनो सबसे पहले। सर एक्चुअली मैंने अभी कुछ नोटिस करा कि कुछ बच्चे होते हैं अपने, आते हैं अपने मन की करते हैं, उन्हें पता नहीं पढ़ना कहाँ से क्या पढ़ना। अब जैसे इस साल आपने देखा होगा हमसे जो जूनियर बैच आए हैं, उनका फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन ही किया है, और फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है उन्हें ये सीखने समझने में कि कॉलेज में हो क्या रहा है, और हमें कैसे किस टीचर से, किस फैकल्टी से, एचओडी से कैसे बात करनी है, राइट। सो उन लोगों को इतना नहीं पता अभी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लोग हमसे पर्सनली नहीं मिले, इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो उन्हें हाँ इतना नहीं पता होगा। तो और हम अगर मैं जर्नी की बात करूं सूरतकल में आने के बाद, तो सर बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही यादगार अभी तक जर्नी रही है मेरी। हमने एंजॉय भी किया पूरा, हमने पढ़ाई भी पूरी करी, कोई पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करा कि पढ़ाई छोड़ के हम घूमने घामने जा रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं करा, और ना ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वहां पे आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप अपना एंजॉय कर सको। लाइक हमारे टाइम पे काफी सारे फंक्शंस होते थे जो कॉलेज लेवल पे, काफी बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, वो हमने सब अटेंड करे, ऐसा नहीं कि हम अटेंड नहीं करते थे, उसमें एंजॉयमेंट भी खूब होता है। पढ़ाई के साथ पढ़ाई करो, एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट करो, दोनों का बैलेंस बनाकर चलोगे तो लाइफ में कभी फेल नहीं होगे। अब वो चाहे यहाँ आप आगे वर्क लाइफ, जब आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में आओगे तब भी आई थिंक वहां पे भी यही रहता होगा। अभी मैंने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन जहां तक मुझे सुना है मैंने, वहां पे भी ये रहता है कि आप काम के टाइम पे काम करो, और वहां पे जो एंजॉयमेंट होता है वहां पे उसके टाइम पे वो करो, तो आपका बैलेंस रहेगी हमेशा, परफेक्ट लाइफ रहेगी आपकी। सर जब आए थे तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी हुई, लाइक सर आपको पता भी है फैमिली में काफी इश्यूज हो गए थे उस समय, फाइनेंशियल क्राइसिस थी थोड़ी। और आज सभी के सामने ये भी कहूंगा कि शरद सर उस समय एक सपोर्ट की तरह, एक भगवान की तरह मेरे लिए आ गए, और उन्होंने काफी हेल्प करी। और बस सर, मतलब सर की इज्जत मेरे आंखों में तो सही में भगवान के समान ही है इस समय, कि क्योंकि वो बंदा जो आपके बुरे वक्त में साथ में हो, वो आपको कभी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए कि किसने आपको सपोर्ट करा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में आपको साथ छोड़कर भी चले जाते हैं, लाइक कई सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कई सारे हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं। और आजकल तो ये हो गया है सर कि दूसरा तरक्की कर रहा है, रिलेटिव्स की बात करो तो आप दूसरा कोई रिलेटिव आपको जल रहा देखे कि इसका बेटा इसकी बेटी क्यों पढ़ रही है, क्यों आगे बढ़ रही है, हमारा बेटा बेटी क्यों नहीं सही कर। बात है। तो ये चीज थोड़ा, अगर जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, अगर एक्चुअली सर एक कुछ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, मेरे को भी मैसेज और कॉल आए थे, कुछ एक दो लड़कियां थी उनके घर वाले लाइक ड्रॉप हुआ एक आध साल उनका, आई थिंक नेम सेट नहीं निकला, फिर उनके घर वाले फोर्स कर रहे थे कि तुम कोई जॉब कर लो या कुछ कर लो। तो मैंने कहा यार देखो कमिटमेंट के ऊपर है, तुम अगर एक मन में विश्वास हो तुम्हारे, एक दृढ़ निश्चय कर लो कि नहीं हमें निमफेड निकालना है, एक साल देना है, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजें बंद करके साइड में रख के अपने निमफेड की प्रिपरेशन पे करो, तुम निकालोगे फॉर श्योर निकालोगे। कोई निमसेट इतना बड़ा जेई एडवांस लेवल का नहीं है या आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं है जो जिसमें सालों लगे लोगों को नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने में लगे, चार चार पांच अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकले, ऐसा एग्जाम भी नहीं है ये निमसेट। सो एक प्रॉपर फोकस के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जैसे कि शरद सर की मिलती है हमेशा, इम्पीटस गुरुकुल का हर एक स्टूडेंट को मिलती है वो गाइडेंस, आप कुछ आगे अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। और सूरतकल में सर प्लेसमेंट की बात अगर करूं मैं, तो प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है इस साल एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, काफी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिला है सूरतकल तिरछी में भी, और आने वाले सालों में भी ऐसा ही प्लेसमेंट देखने को मिलेगा जिस तरह का इस साल देखने को मिला है। तो ये थी अभी तक की मेरी जर्नी सर। तो शिवम, जैसा आपने बोला, देखो मेरा तो एक हमेशा से नेचर है कि मैं हर वो बच्चा जिसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करता हूँ। और हर बच्चे से मैं आजकल ये भी बोलता हूँ कि अगर आज आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप उसकी उसको थैंक्स बोलने की जगह किसी एक को जीवन में सपोर्ट कर दो। और अगर ये चेंज चल गई तो ये बहुत बिल्कुल सर, बड़ा वो हो जाएगा। और इम्पीटस गुरुकुल परिवार एक ऐसा ही बन रहा है, जैसे अभी लक्ष्य बच्चों को टीचिंग दे रहा है, आप बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। इनफैक्ट मुझे पता है कि इम्पीटस के जो जूनियर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आप बड़े अच्छे से उनको, मुझे बच्चे बताते हैं कि सर शिवम भैया से हमने सजेशन लिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और कोई भी सीनियर से जब जूनियर सजेशन लेता है और बच्चे इतने अच्छे से बताते हैं तो मन में लगता है ये हमारी असली सफलता है कि नहीं,
एक परिवार बनता जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अच्छा शिवम, एक चीज बताओ मुझे कि जब ये कोविड हुआ तो बहुत लोगों के मन में एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं प्लेसमेंट का क्या होगा, घर आ गए हैं ये सब, तो हो सकता है तुमने भी ऐसा कुछ फेस किया हो या नहीं किया हो वो बताओ मुझे, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं अच्छे कॉलेज में बच्चों को इस बात की टेंशन नहीं रहती, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में? सर मैं बता दूं, पहले 2019 में मैंने जब ज्वाइन किया था, आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट ईयर के बाद कंपनीज आती हैं फॉर इंटर्नशिप, सो मेरी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप लगी थी आइपेट्रॉनिक इंडिया में। सो मैंने वो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप भी करी अभी इसी साल 2020 में। उसके बाद सर ऐसा मतलब मैं तो नहीं मानता कि कंपनीज में ज्यादा इफेक्ट आया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे सीनियर्स का बैच था उसमें थोड़ी बहुत ऐसा हम सबको फील हुआ कि कंपनीज नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ी कम आ रही है और हायरिंग भी थोड़ी कम हो रही है। कोई कंपनी अगर 10 बच्चे ले जाती थी तो वो 5 या 6 बच्चे ले जा रही है पर आ बस, रही है कंपनी। लेकिन आ रही है। हाँ ये है, कंसिस्टेंसी है कंपनीज में। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता भी है कि एमसीए का डिपार्टमेंट अलग ना होने की वजह से थोड़ा प्रेफरेंस एमसीए को कम भी मिलती है कई बार, लेकिन उसका इफेक्ट अच्छा, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो उसी हिसाब से कम है एमसीए में। अगर बीटेक में 500 बच्चे हैं तो एमसीए में 50 बच्चे हैं, सूरतकल की बात करूं अगर मैं, बल्कि बीटेक में तो हजारों बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं सर, स्टार्टिंग में जो कंपनीज आ रही थी तो 1400 बच्चे एक एक कंपनी के लिए बैठ रहे थे, तो उस कंपेयर में एमसीए ऑब्वियस के बच्चे कम है, तो एमसीए आप के बच्चों एमसीओ का में कई बार अपन बिल्कुल उससे कंपेयर करते हैं। मैं आज भी बोलता हूँ जी एमसीए का जी प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा है कंपेयर टू जी बीटेक जी 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 सर आप भी परसेंटेज में ज्यादा। आज एनआईटी सूरतकल की वेबसाइट खोल के देखेंगे, लास्ट ईयर के प्लेसमेंट्स देखेंगे तो 90%+ रहा है हमेशा एमसीए का आज तक, चाहे वो कोविड ईयर हो या नॉन कोविड ईयर हो। तो और अभी तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे जा रहे हैं इस बार, तो अभी अभी तो तो बहुत अच्छे कंपनी हैं सर, अभी 2 महीने अभी और कंपनी आती हैं, फुल फ्रिक्वेंसी से आती हैं नवंबर दिसंबर में, और अभी तक ये समझ लिए 35 बच्चे आउट ऑफ 51 प्लेस्ड हो चुके हैं हमारे वेरी गुड। सूरतकल में। अच्छा शिवम, अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद ही इंटर्नशिप मिल गई थी। मुझे लगता है ये शायद एक्सपोजर बड़े मतलब अच्छी एनआईटीज में मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में शायद बच्चों को नहीं मिल पाता एक्सपोजर, तो इसके लिए जी आप क्या सर कहना चाहोगे? तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये बच्चों को जानना चाहिए। जी सर होता है सर प्राइवेट कॉलेजेस में, देखिए जो कंपनीज, बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो 2 महीने से 3 महीने तक की इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो फ्रेशर्स के लिए होती है बेसिकली। एंड जैसे कि मुझे जिस कंपनी ने 2 महीने की इंटर्नशिप दी थी उसमें मुझे बाद में फुल टाइम भी ऑफर किया था। अब यही यहाँ सर फिर से बात आ गई चॉइस की, मैंने आई थिंक कांटेक्ट भी करा था प्रतीक सर से, बात भी करी थी इस बारे में कि क्या करूं सर, लेना चाहिए कि नहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देने, हालांकि उनका पैकेज थोड़ा कम था। तो वहां पे फिर बात आ जाती, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था लेकिन मन में कुछ ना कुछ अभी था कि नहीं यार ये नहीं अपने लिए, फिर वो भी ड्रॉप करा, वो भी छोड़ दी मैंने कंपनी। तो अगर वो नहीं छोड़ता तो आज मैं इस कंपनी में जिसमें अभी हूं उसमें नहीं बैठ पाता, इसके टेस्ट ही नहीं दे पाता, एलिजिबल नहीं होता मैं इसके टेस्ट देने के लिए। लेकिन मैं उस कंपनी को छोड़ के इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करा और मैंने फिर इसको क्रैक किया। तो इसके लिए प्रिपरेशन किस ढंग से की थी कंपनी के लिए, और क्या-क्या क्राइटेरिया, किन-किन बातों को ध्यान रखा आपने? सर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सब सेम होते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड बाकी कोर कॉन्सेप्ट लाइक डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और आजकल तो सिस्टम डिजाइन भी थोड़ा बहुत पूछती हैं कंपनीज, सो ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट, आई थिंक वो सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, वो प्रैक्टिस है, जस्ट लाइक मैथ्स, लाइक कॉम्पिटेटिव कोडिंग उसे बोलते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैथ्स में आपको अगर किसी भी चैप्टर को लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर मैं खाली फॉर्मूले पढ़ लूं उससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे को आती है पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है पीएनसी की। सो सिमिलरली वैसे ही अगर मैं डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा हूँ, एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है मेरे को। वो उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक हैकर अर्थ, हैकर रैंक, बीट कोड, गीक्स फॉर गीक्स, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस करी, मैंने ही नहीं और ये हर एक बच्चा करता है जो एमसीए कर रहा है, जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है। आप उस हर बच्चे से पूछ लेना, आप उस बच्चे को ये साइट्स कुछ हैं 3-4 इनका नाम पता ही होगा, वो पता हमेशा अपनी लाइफ में करता है, 500-1000 क्वेश्चन हमेशा उसमें मिलेंगे हर एक बच्चे के। ओके अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? हर एक जूनियर को, जूनियर मतलब लाइक जो कि अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और जो इंटर इस साल हुए हैं 21 बैच के, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड रिजल्ट है हमारा एमपीटस का, जी उनको भी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको भी अलग अलग बताइएगा आप, सबसे पहले एंट्रेंस वालों को और फिर जो एमसीए कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो भी ऐसे ही अच्छा प्लेसमेंट लें। तो किन बातों को अभी से वो ध्यान रखें? सर
पहले बात करते हैं एंट्रेंस वालों की, जो बच्चे अभी इस साल एंट्रेंस दे रहे हैं या आने वाले सालों में एंट्रेंस देंगे। सबसे पहले तो अपने आसपास का डिस्ट्रेक्शन खत्म करें। अगर कोई बंदा आपका फ्रेंड है, आपके फैमिली मेंबर, आपका रिलेशन में है, कोई भी रिश्तेदार है, वो अगर आपसे कुछ भी आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो कृपया उससे दूर हो जाए। कि कई बार असर ऐसा होता है, हम लोग एक प्रिपरेशन में लगे होते हैं और साइड में इतने डिस्ट्रेक्शन आ जाते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेक्शन की बात नहीं कर रहा, लाइक किसी ने कह दिया, अरे यार तुम क्या निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके बाद 3 साल तुम्हें और पढ़ना है, उसके बाद पता नहीं जॉब लगे ना लगे, इससे बड़े बैंकिंग की तैयारी कर लो, इससे बढ़िया IBPS PO का एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम वो बता देंगे, गवर्नमेंट का दे दो। अब बंदा वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके माइंड में कहीं ना कहीं बात चलने लगी कि यार कहीं ये जो मेरे को सजेशन देकर गया, ये कहीं ठीक तो नहीं, तो इस चीज से बचें। और दूसरी बात रही बात तैयारी की, तो तैयारी इस ढंग से करें कि आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को समझ के करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि किताबें दो दो तीन तीन बार हम करके बैठे हैं, एक ही बुक को और तीन चार किताबें कर रहे हैं ऐसे, और करे जा रहे हैं बस। तो सर वो होती है, मतलब गधों की तरह हम चलते जा रहे हैं, हमें गधे नहीं बनना, हमें चीता बनना है, घोड़ा भी नहीं बनना, हमें चीता बनना है। तो अगर NITs में पहुंचना, तो वहां पे मेरे ख्याल से वहां पे चीता बनना पड़ता है। NIMCET में फिर भी घोड़े बन के काम चल जाएगा, लेकिन NITs के लिए चीता बनना ही पड़ेगा। So, ये थी एंट्रेंस वालों के लिए मेरी राय। अब मैं आता हूँ उनके लिए जो इस साल एंटर हुए हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं, किसी भी कॉलेज के हों। देखिए सर, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चंस, अगर 1000 2000 क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ मस्त नहीं है। मैंने खुद नहीं करे इतने क्वेश्चन, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार, हमने 1000 क्वेश्चन इस वेबसाइट पे करे हुए हैं, 500 क्वेश्चन हमने दूसरी वेबसाइट पे करे हैं, हमने तो टोटल 1500 कर रखे हैं, और हमारी गारंटी हो गई कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। मिथ है, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अगर कंसेप्ट ठीक है, तो सर 200 300 400 क्वेश्चन भी अगर आपने कर रखे हैं वो वेल एनफ है, लेकिन वो कंसेप्चुअल होने चाहिए। वही सर यहाँ पे भी मैथ्स का फंडा काम आ रहा है। आप ही बोलते थे सर, ये आपकी लाइन बोल रहा हूं मैं, कि किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, उस क्वेश्चन से 10 और हो जाए ऐसे इसको सॉल्व करो एक क्वेश्चन से। तो वैसे ही कॉम्पिटेटिव कोडिंग के साथ है, एक क्वेश्चन ऐसे करो कि उससे मिलते जुलते 10 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सेम यहाँ पे फंडा अप्लाई हो रहा है मैथ्स वाला। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं NIMCET में, तो मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे काम आती है मैथ्स। वहां के लॉजिक चाहे काम ना आए, वहां की जो लर्निंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो यहाँ पे काम आएगी जरूर। तो सर ये थी मेरी, जो बच्चे मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए राय। देखो शिवम, आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये दोनों जगह फिट होती है, मतलब एंट्रेंस के समय भी और बिल्कुल इंटरव्यू के समय भी। कि जैसे आपने बोला 2000 कोडिंग कर ली या कर ली, हमेशा हमेशा कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, मेरा मानना है क्वालिटी पे। ऐसे क्वालिटी इंट्रेंस के समय भी बच्चे सोचते हैं ये गाइड ये गाइड ये गाइड कर लें, और उस चक्कर में कंफ्यूज होते हैं, करते कुछ नहीं और कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होता। मान लो आपने कहा 3 गाइड करनी हो, तीनों नहीं हुई तो आपके मन में रहेगा अरे गाइड सॉल्व नहीं हुई क्या होगा। जबकि मैं बोलता हूँ कंसेप्ट पे वर्क करना चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट बन गए तो आपसे 10 गाइड सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपने कोडिंग का कंसेप्ट बना लिया तो कोई भी कोड आप कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, उसमें 1000 2000 कर लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और किसी भी टॉप प्लेसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो है एटीट्यूड। और मुझे अब समझ में आ गया कि आपका टॉप प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता था कि कंपनी क्या देखती है। मतलब हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे मैंने भले ही 4000 प्रोग्राम नहीं किए, पर मैं 40 प्रोग्राम के बाद 4000 नहीं 40000 भी बना सकता हूँ, और मुझे जो कंपनी बोलेगी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, वही एक चीज है। और हर बच्चे को इसीलिए मैंने सेशन स्टार्ट किया कि हर बच्चा समझे कि हम अपने आप को ऐसा डेवलप करें कि कंपनी आपको लेने के लिए बेचैन हो, उसको लगे यार नहीं यार ये बंदा अच्छा है, वो कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट जैसा काम करेगा। और वो काम आपने किया है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप अभी स्टार्ट तो कर ही रहे हो इतने अच्छे पैकेज के साथ, क्योंकि पैकेज डिस्कस नहीं करते इसलिए मैं भी नहीं जी जी बोलूंगा ना पूछूंगा, पर इतने अच्छे पैकेज के साथ स्टार्ट कर रहे हो और बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ डबल ट्रिपल होने वाली है। इसी थैंक यू सर। कंसेप्ट को और इसी बात को ध्यान रखना है कि हमें अपना एटीट्यूड, मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये क्लियर रहेगा तो कभी कोई बच्चा पीछे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सर। सर मैंने भी अपने निम्स टाइम पे सिर्फ एक ही बुक सॉल्व करी है, सेल्फ स्कोरर, वो आपको आपसे सर पता था, आपको आपने यही बोला था उस समय कि एक बुक करो, लेकिन कई बार करो। ऐसे कई बार करो, और ऐसे कर लो कि तुम्हें रात में सोते हुए कोई पूछे उठा के, तो तुम्हारे को ये पता हो कि इस पेज पे ये क्वेश्चन यहाँ मिलेगा और इसका आंसर ये है, बस बस यही। और साथ में रटना नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन पता होना चाहिए उसका, कैसे हुआ क्यों हुआ, सेम चलो कंसेप्ट सर यहाँ पे अप्लाई हो। चलो बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके। अभी हम लोग बाकी भी जो आपके इस बैच के बच्चे हैं, सब इतने अच्छे अच्छे प्लेस हुए हैं, उनके भी ऐसी सेशंस लेंगे। और जो लोग ये बात सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि शिवम ने जो बातें बोली हैं उन सबको ध्यान रखो। शिवम ने बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की, पर इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके भी
वो रुका नहीं, अपने आप को मेहनत करता रहा, मतलब मुझे पक्का पता है कि चार चार छह छह घंटे आपने ट्यूशन भी पढ़ाई है, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी की, उसके साथ प्लेसमेंट को भी ध्यान में रखा है। ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि आप में ये पता था, बिलीव था कि मुझे जीवन में समझौता नहीं करना और मैं कर सकता हूँ। कम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे वर्क करके आपने ये सब अचीव किया। बिल्कुल सर, राय सर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा लाइक जो होते हैं ना दो पाथ निकल रहे हैं, वो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा आए हैं कि हर बार मेरे को दो पाथ मिलते थे, मेरे को राइट चूज करना होता था उसमें। देखो मेरा मानना है भगवान वैसे ना बीच में बहुत सारी चीजें देता है, जान करके देता है, आपके लिए कुछ सोचा उसने पर बीच में लॉलीपॉप देगा। जैसे आपको विप्रो की लॉलीपॉप मिली, जी जी फिर आपको एनआईटी रायपुर, बिल्कुल ऐसे अभी आपको ट्यूशन से भी थोड़ी अर्निंग होने लगी, तो ये बीच बीच की, या जिस कंपनी में इंटर्नशिप की उनने भी आपको उसने फुल टाइम दिया था लेकिन रिजेक्ट करा। क्या होती है बीच बीच की, मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर भगवान ने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो वो बीच में आपकी परीक्षा जरूर लेगा। हमने अपनी कई किताबें पढ़ी है, कई पुरा अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में, तो भगवान ने बीच में परीक्षा हर एक के लिए, जो उस परीक्षा में रुक गया, मान लो आप कहीं रुक गए होते तो आज कहीं और होते, तो वो एक चीज है। तो आगे भी ऐसे ही कभी समझौता ना करो। खैर अब आपको ये सब टिप्स मिल गई तो अब आप मुझे नहीं लगता कभी रुकोगे, तो ऐसे ही आगे बढ़ो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड होल इंपेटस गुरुकुल फैमिली फॉर द अपकमिंग बैचेस। चलो थैंक यू बेटा।